शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, असल में मैं सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दूँ कि मैं PCG का इस एरिया में ज़िले में हेड कोच हूँ, फैसल नवीद मेरा नाम है। तो बेसिकली PCB और सेंट्रल पंजाब ने और उसके साथ हमारे जो एजुकेशन बोर्ड की काविश है, जिसके नतीजे में लास्ट ईयर भी ये टूर्नामेंट करवाया गया था और इस सीज़न में अब इससे बेहतर तरीके से हम करवाने का, मतलब लास्ट ईयर से बेहतर करवाने का मतलब इरादा रखते हैं। तो आप लोगों को ट्रायल्स करवाने का मकसद ये था कि आप में से कल को जो लड़के परफॉर्म करेंगे वो अंडर 16 के लिए हम भेजेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने भेजे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि हमारे पास अभी उस तरह का मटेरियल नहीं आता जो हम दूसरे लोगों के साथ मैच कर सके, लेकिन ये इसी तरह ही ग्रो करेगा। तो इसकी सारी कोशिश है, मतलब मेहनत और लगन से खेलें, अपने उसातज़ा का पूरा ओबीडियंट बनकर रहें। ठीक है, जैसे वो कहते हैं उसी तरह आप इस मेहनत करें और इस कंपटीशन में भरपूर अपनी परफॉर्मेंस दें। इंशाल्लाह ताला जो लड़का परफॉर्म करेगा उसका नाम मैं आगे रिकमेंड करूंगा फॉर अंडर 16 ट्रायल्स। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आप लोगों को ग्रास रूट लेवल पर फिर एक दफ़ा इस क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, वरना कई सालों से ये सारा कुछ बंद पड़ा हुआ था। ये क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ा ज़बरदस्त कदम है PCB, सेंट्रल पंजाब और एजुकेशन बोर्ड का और तमाम मैनेजमेंट जो इनमें शामिल हैं, उन तमाम इदारों का बड़ा ज़बरदस्त एक किरदार है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार फिर भी आप लोगों का है कि आप लोग इस आने वाले वक्त में हमारे फ़ख्र है। तो हम भी चाहते हैं कि इस नारोवाल से कोई बच्चा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो हमारी मेहनत भी जो है ना वसूल हो सके। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप सब के आने का। तो इंशाल्लाह ताला जो लड़के सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह ऑन मेरिट होंगे, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा और वो भरपूर मेहनत करें और टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से अब इंजॉय करें, खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, जो नहीं सिलेक्ट होंगे वो ज़ाहिर बात है पार्ट ऑफ स्कूल हैं, अगले साल वो फिर तो उस टूर्नामेंट में मेहनत करें और सिलेक्टेड होंगे। डिसअपॉइंटमेंट किसी के लिए नहीं है, हर फेजेज़ में क्रिकेट है, स्कूल के बाद कॉलेज क्रिकेट है, कॉलेज के बाद क्लब क्रिकेट है। तो अब बड़ा ज़बरदस्त ये काम चल पड़ा, तो जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट तो कोई भी नहीं है, वो मेहनत करेंगे अच्छे होंगे क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया।